खबर यूपी के रायबरेली से, जहां पर यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भाजपा की आपसी कलह उजागर हुई। लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के विरोध मैदान में उतरने वाली पार्टी नेता अजय अग्रवाल ने बात बात में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के निर्णय पर उंगली उठाई है। पार्टी कार्यालय पर बीजेपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने खुद को भाजपा का अनुशासित नेता बताया। एमएलसी दिनेश सिंह का नाम लिए बगैर अजय अग्रवाल ने कहा कि वो आ गए हैं। उन्होंने टिकट बंटवारे पर कहा कि जो निर्णय भाजपा हाईकमान करेगा वो बिल्कुल विवेक से करेगा। आपको बता दें कि अजय सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से जिस एमएलसी दिनेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है वो दिनेश प्रताप 21 अप्रैल 2018 को बीजेपी के सदस्य बने हैं। उनकी विधानसभा सीट में रायबरेली और अमेठी के 18 ब्लॉक आते हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।